हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तवा कढ़ाई। फ्रेंड्स चलिए आज हम बनाते हैं टोमेटो सूप। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में गरम गरम सूप पीने का मजा ही अलग होता है, तो मैंने ये घर पे बनाया है। आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों ये मैंने 5 टमाटर लिए हैं, अब हम इसको मोटा मोटा काट लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों हमारे टमाटर रेडी हो गए हैं। अब मैंने ये एक पतीले में 2 गिलास पानी लिया है, अब हम इसमें अपने टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चीनी, 10 से 11 काली मिर्च, 2 लौंग। अब हम इसको मीडियम गैस पे 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए ढककर रख देंगे। अब ये देखिए दोस्तों हमारे टमाटर 20 से 25 मिनट पकने के बाद इस तरह से दिख रहे हैं। अब हम इसको गैस से उतार के थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इतने ये ठंडे हो रहे हैं, इतने हम अपने ब्रेड रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये 2 ब्रेड लिए हैं, अब हम इसको छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट लेंगे। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, मैंने वाइट ब्रेड लिया है। अभी देखिए दोस्तों हमारे ब्रेड के पीसेस कट के रेडी हो चुके हैं। अब हम एक नॉन स्टिक पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे और अपने ब्रेड के पीस उसमें डाल लेंगे। अब हम अपने ब्रेड के पीसेज को कुक होने के लिए मीडियम गैस पे छोड़ देंगे। दोस्तों फुल गैस ना करें, नहीं तो ये जल जाते हैं। अभी देखिए दोस्तों हमारे ब्रेड के पीसेस रेडी हो चुके हैं, अब हम अपना सूप फाइनल कर लेते हैं। अब दोस्तों हम अपने सूप को हैंड ग्राइंडर से इस तरह से चला लेंगे, अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं। हम इनको तब तक ग्राइंड करते रहेंगे तब तक सारे पीसेज अच्छे से पिस ना जाए। अभी देखिए दोस्तों हमारा सूप अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, अब हम इसको एक छन्नी में छान लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों हमारा सूप तैयार है, अगर आप चाहे तो इसको 5 मिनट और पका सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों हमारा सूप तैयार है, आप गरम गरम सूप में ब्रेड के पीसेस डाल के सर्व करें और एंजॉय करें। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।